नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरीबी को मिटाने और अमीर बनने के ऐसे अभूतपूर्व ट्रायल एंड टेस्टेड तरीके के बारे में, एक ऐसे अचूक तरीके के बारे में जो कभी विफल नहीं होता है और जिसका उपयोग कर हजारों नहीं लाखों व्यक्ति अमीर बन चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप गुलाम हैं? आप कहेंगे मैं ये क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि आजादी तो हमें बहुत पहले मिल चुकी है। यदि मैं गुलामी की बात करूं तो पिछले 1000 सालों से हमने गुलामी सही है, पिछले 700 साल हम मुगलों के गुलाम रहे और 300 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, तब कहीं जाकर हमको आजादी मिली। लेकिन ये आजादी वो वास्तविक आजादी नहीं है जो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। आजादी दो तरह की होती है, पहली होती है राजनीतिक आजादी, दूसरी होती है आर्थिक आजादी। राजनीतिक तौर पे हम आजाद हैं, इस देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, इसे कहा जाता है राजनीतिक तौर पे आजादी। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी आजादी होती है वो होती है आर्थिक आजादी। कहीं भी जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा होना, कहीं भी जा तो सकते हैं लेकिन क्या उतना पैसा है आपके पास कि आप कहीं भी जा सकें, कहीं भी घूम सकें? क्या इतना पैसा है आपके पास कि कहीं भी घूम सके, कुछ भी खरीद सके? क्या इतना पैसा है आपके पास कुछ भी खरीद सके, कहीं भी जा सके, कहीं भी घूम सके? इसकी राजनीतिक तौर पे आजादी होने के साथ ही, जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, इतना पर्याप्त पैसा नहीं होगा, साथ ही इतना पर्याप्त समय नहीं होगा कि आप कहीं भी जा सके, आप आर्थिक तौर पे आजाद नहीं कहलाएंगे। आज पूरा देश में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 100 करोड़ में से 100 करोड़ लगभग 99% लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं, चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। क्या होती है चूहा दौड़ और क्या होती है ये आर्थिक गुलामी, आज इसको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और इसके साथ ही मैं आपको वो अचूक फॉर्मूला बताऊंगा जिसके दम पर आप उस रास्ते पर जा सकते हैं, वो क्लियर वे आपको बताऊंगा जिससे आप अमीर बनने की राह पर निकल पड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मतलब आर्थिक तौर पर आजाद होने का मतलब क्या है। आर्थिक तौर पर आजाद होने का मतलब है आप काम करें या ना करें, आपके अकाउंट में पैसा आता रहे। आप अपने घर में हो, अपने ऑफिस में हो, या फिर गोवा के बीच में आप धूप लेते हुए ठंड के मौसम में रेत में लेटे हैं, गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं, फिर भी आपके पैसे में, आवक में, पैसे की आवक में, इनकम के सोर्स में किसी तरीके की कमी नहीं हो रही है। आपके पास इतना पैसा है, इतना पर्याप्त पैसा है कि आप मॉल में जाते हैं तो प्राइस टैग देखे बिना चीज़ों को खरीद पाते हैं। और क्या होती है रैट रेस, इसे भी समझ लीजिए। देखिए, आप ना सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को 5 बजे ऑफिस से आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा देर टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं, दूसरे दिन फिर आप ये काम करते हैं, तीसरे दिन फिर आप ये काम करते हैं, चौथे दिन फिर आप ये काम करते हैं, और हफ्ते में एक दिन की भी छुट्टी मिलती है संडे को, उसका बेकरारी से इंतजार करते हैं, और सोमवार को ना चाहते हुए भी उसी रूटीन को फिर से फॉलो करते हैं। मतलब एक चक्र आपके जीवन में चल रहा है जिसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, बस उसी चक्र के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, और इसी दौड़ को कहते हैं रैट रेस। और हर गरीब व्यक्ति, हर मिडिल क्लास व्यक्ति इस रैट रेस में पड़ा हुआ है, इस चूहा दौड़ में फंसा हुआ है। तो यदि इस चूहा दौड़ से बाहर निकलना है तो आपको आर्थिक तौर पर आजाद होना पड़ेगा। सोचिए कि आप क्यों इस चूहा दौड़ में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं, क्यों ना चाहते हो भी आप ऑफिस जाते हैं? बस एक कारण कि आपको पैसा कमाना है, और यदि आपने पैसा नहीं कमाया तो आपके कार की EMI आप कैसे भरेंगे? आपने लोन लेकर घर बनाया है तो उस लोन को कौन चुकाएगा? पैसा आपकी जरूरत है, न केवल आपकी बल्कि हर व्यक्ति की जरूरत है, और पैसे को चुकाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, और यहाँ पे आप फंस कर रह जाते हैं चूहा दौड़ में। तो यहाँ पे दोस्तों, यदि आपको अमीर बनना है तो एक, और गरीबी से बाहर निकलना है तो एक सीधा, सिंपल, सरल ट्रायल एंड टेस्टेड, जो कि लाखों लोगों द्वारा अपनाया गया है जो कि आज अमीर हैं, सीधा सा फॉर्मूला है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है? एसेट्स बनाइए, लाइबिलिटीज नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला, एसेट्स बनाइए, लाइबिलिटीज नहीं। पर ये होते क्या हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज, क्या अंतर होता है एसेट और लाइबिलिटीज में? एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व।
लेकिन आप कहेंगे हम तो संपत्ति बनाते हैं, मैंने कहा ना एसेट्स बनाइए मतलब संपत्ति बनाइए, तो आपने कहा जी मैं पगार पाता हूँ यहाँ वहाँ पैसे खर्च नहीं करता, मैंने कार खरीदी, मैंने फ्रिज खरीदा, मैंने सोफा खरीदा, मैंने बेड खरीदा, मैंने घर खरीदा, मैंने वो तमाम तरह की चीज़ें खरीदी जो कि आज संपत्ति कहलाती हैं, तो आप गलत फहमी में हैं क्योंकि ये नकली संपत्तियाँ हैं, असली संपत्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि ये एसेट्स नहीं हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये दायित्व हैं। वास्तविकता में आप इन्हें संपत्ति समझकर अपने घर लेकर आते हैं, लेकिन ये वास्तविक संपत्तियां नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी अंतर को एक अमीर व्यक्ति जानता है, एक गरीब या मिडिल क्लास नहीं जानता है। चलिए मैं इसको विस्तार से आपको समझाता हूं। एसेट्स यानी संपत्ति क्या है, लायबिलिटीज यानी दायित्व क्या है। संपत्ति का सीधा सा मतलब है कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जो आपके जीवन में आए और आपके जीवन में आने के बाद आपके जेब में पैसा डाले, उसे कहते हैं एसेट्स। और लायबिलिटीज क्या है, ऐसी वो हर चीज जो आपके जीवन में आए और आपके जीवन में आने के बाद आपके जेब से पैसा निकाले, उसे क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। इसको सिंपल सरल और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए में आप 2 चीजें खरीद सकते हैं, पहला एक कार, दूसरा एक प्लॉट, आप कहीं पे छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद सकते हैं। अब सोचिए कि 5 साल के बाद क्या कंडीशन होगी। यदि आप एक कार खरीदते हैं तो क्या ये आपके जेब में पैसा डालेगी, यदि पर्सनल उपयोग के लिए आप कार ले रहे हैं तो ये आपके जेब में पैसा नहीं डालेगी। क्यों, क्योंकि कार का यदि आप पर्सनल उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए पैसा नहीं कमाएगी, उल्टा आपके जेब से कार में पैसा लगेगा। कैसे, कार का इंश्योरेंस आपको हर साल कराना होगा, कार की सर्विसिंग और मेंटेनेंस आपको हर साल कराना होगा, और हर महीने उसमें फ्यूल भरवाना होगा, ये 3 खर्चे परमानेंट है। कम से कम यदि 5 लाख की आप कार लेते हैं तो 25,000 से 30,000 रुपए का सालाना इन 3 चीजों का खर्चा हो जाता है, यानी वो चीज आपके जीवन में आने के बाद 25,000 से 30,000 रुपए सालाना आपके जेब से पैसा निकालवा देती है, आपके जेब से पैसा निकालती है। वही यदि आप उसी 5 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लेते, एक जमीन का टुकड़ा ले लेते, तो क्या उसके मेंटेनेंस में आपका पैसा जाता, बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई उसका खर्च होता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 5 साल के बाद उसी प्लॉट की कीमत डबल होकर 10 लाख रुपए हो जाती, तो क्या आप इसे मानेंगे कि उस 5 लाख रुपए से खरीदे गए प्लॉट के टुकड़े ने हर साल आपको 1 लाख रुपए कमा के दिया, यानी 5 साल के दौरान में जब उसकी कीमत 5 से 10 लाख हो गई तो 5 लाख रुपए आपने उस प्लॉट के टुकड़े से कमाए, यानी कि हर साल 1 लाख रुपए आप उससे कमाते हैं। तो यहां पे ये बड़ा अंतर है, यहां पे प्लॉट आपके लिए होगा एक एसेट्स और कार आपके लिए होगी लायबिलिटीज। हालांकि यदि कार को आप रेंट पे चला रहे हैं या ओला उबर जैसी किसी कंपनी से अटैच कर चला रहे हैं, तब आपके लिए वो एक बिजनेस के जैसे, बिजनेस टूल के जैसे काम करेगी, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। लेकिन यहां पे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो यहां पे प्लॉट आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा, वहीं आपके लिए जो आपकी जमीन, माफ करिए, कार होगी, वो एक लायबिलिटीज के तौर पे काम करेगी। तो अमीर व्यक्ति क्या करते हैं, अमीर व्यक्ति एसेट्स को प्रायोरिटी देते हैं, एसेट को प्राथमिकता देते हैं और लायबिलिटीज को सेकेंडरी रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो कार में नहीं चलते हैं, ऐसा नहीं कि वो महंगा मोबाइल नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो महंगे घर में नहीं रहते हैं, बस अंतर इतना है कि वो कमाए गए पैसे से पहले एसेट्स खरीदते हैं और एसेट्स से कमाए गए पैसे से वो लायबिलिटीज खरीदते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपके पास आज 5 लाख रुपए हैं, तो या तो आज आप जाकर 5 लाख रुपए की एक कार ले लें, या तो एक ऑप्शन ये है कि उस 5 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट कर दें एक प्लॉट में, और उस प्लॉट से जब आप 5 साल के बाद बेचेंगे उसे, तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो उसमें से जो 10 लाख में से 5 लाख की आप कार 5 साल बाद ले लें, और बचे हुए 5 लाख रुपए को अगेन इन्वेस्ट करके आप दूसरा छोटा सा कोई प्लॉट ले सकते हैं। तो यहां पर आपने 5 लाख रुपए से एक कार भी ले ली और उससे एक प्लॉट भी बना लिया। अमीर लोग यही काम करते हैं। तो गरीब व्यक्ति, जो गरीब मेंटेलिटी का व्यक्ति होता है, वो अमीर दिखने में खर्च करता है। हमेशा ध्यान रखिए, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों के बीच का बड़ा अंतर होता है। गरीब मेंटेलिटी का व्यक्ति अमीर दिखने में पैसा लगाता है,
अमीर मेंटेलिटी का व्यक्ति अमीर बनने में पैसा लगाता है, अमीर दिखने के लिए लायबिलिटीज खरीदनी पड़ेंगी और अमीर होने के लिए एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। तो आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप से सवाल करिए, क्या आप अपने जीवन में अभी तक उन चीजों को खरीदते आए हैं जो आने के बाद आपके जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे कि सोफा, जैसे कि पलंग, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि एसी, जैसे कि कूलर, जैसे कि कार, या महंगी बाइक, या बड़ा लग्जरी घर, या फिर आपने ऐसी चीजों में इन्वेस्ट किया है जो आपको धीरे धीरे पैसा बनाकर दे रहे हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 50 लाख रुपए हैं, अब 50 लाख से ये आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप एक बहुत लग्जरी घर ले लें, जिसे लेने के बाद सब कहेंगे वाह भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम बहुत अमीर हो। या तो एक ऑप्शन ये है कि आप एक 10 लाख रुपए का छोटा सा घर लें, उस छोटे से घर में रहना शुरू करें और बचे हुए 40 लाख रुपए से मार्केट में 2 या 3 दुकानें खरीद लें, एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, जितनी दुकान आप खरीद सकते हैं उस 40 लाख में, और उन्हें रेंट पे दे दें, किराए पे दे दें। तो आप रहने के लिए आपके पास घर भी है और वो 40 लाख रुपए की वैल्यूएशन, जो दुकानों की वैल्यूएशन होगी वो लगातार बढ़ती रहेगी, साथ में उसमें से कुछ रेंट भी आएगा, यानी वो चीज आपके जेब में पैसा डालेगी। लेकिन चूंकि आप 50 लाख का घर ले लेंगे पहली बार में ही, तो आपके जेब में पैसा आएगा नहीं, बल्कि उतने बड़े घर को मेंटेन करने के लिए सालाना आपको कम से कम 20 से 50 हजार रुपए मेंटेनेंस में घर के केवल खर्च करने पड़ेंगे। कभी आप देखेंगे कि प्लंबरिंग का काम आ रहा है, कभी देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का काम आ रहा है, कभी देखेंगे कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो नए बल्ब को लगवा रहे हैं, तमाम तरह के काम आते हैं जो कि उस काम को करने में आपके जेब से पैसा जाता रहेगा। तो अमीर मेंटेलिटी का व्यक्ति इस बात पे फोकस बिल्कुल नहीं करता है कि वो अमीर दिखे, बल्कि वो इस बात पे फोकस करता है कि वो अमीर बने, और जब वो अमीर बनता है तो खुद ब खुद अमीर दिखने लगता है, क्योंकि जो होता है वो दिखता है। तो यहां पे आपके लिए जरूरी है केवल एक बात कि सीधे से बस ये समझ लीजिए कि आपको एसेट्स बनाने हैं अपनी लाइफ में, लायबिलिटीज नहीं, और एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटीज वो हैं जो आपके जीवन में आने के बाद आपके जेब से पैसा निकालें। तो आप अपने कमाए हुए पैसे को कभी भी खर्च करने के लिए जाएं तो सोचें कि जिस चीज़ में वो पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या वो आपके जीवन में आने के बाद आपके जेब में पैसा डालेगा या आपके जेब से पैसा निकालेगा। इतने छोटे से कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए तो धीरे धीरे करके आपके पास इतने एसेट्स, यानी पैसे बनाने के साधन उपलब्ध हो जाएंगे कि आपकी पगार से कमाया गया पैसा इन एसेट्स के बनाए गए पैसे से कम हो, यानी ये एसेट्स आपके लिए इतना ज्यादा पैसा बनाने लगेंगे कि आपके महीने में काम करके कमाई गई पगार उसके सामने बहुत कम हो जाती है, और यहाँ पे आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर काम करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा था। मिलता हूँ अगली वीडियो में, लेकिन उसके पहले यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सोशल मीडिया, जहाँ भी आप एक्टिव हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप लगातार देखते रहें, ताकि आप मोटिवेटेड रह पाएं, आप अपने आप को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे स्ट्रांग बना पाएं और एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएं। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।